हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बिना ओवन के यानी कढ़ाई में केक बनाएंगे और उसके बाद आइसिंग करने वाले हैं। नोज़ल का यूज़ नहीं करेंगे और फटाफट ये केक बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें स्टैंड रख रहे हैं और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म करेंगे। आप चाहें तो केक को ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक छोटा सा केक टिन लिया है, इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, बटर पेपर को सेट कर देते हैं। आप चाहें तो मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं और इसके जगह आप भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी केक टिन नहीं है तो आप छोटे भगोने का यूज़ कर सकते हैं। केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है 1/4 कप। आप इसके जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप यानी आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। 1/2 कप दही, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसके जगह वेनिला एसेंस या मिक्स फ्रूट एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हमें मैदे को छान कर डालना है, तो यहाँ मैंने एक छन्नी ली है और इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं। ग्राम में ये 120 ग्राम है। 1/4 कप यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं और इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को छान कर हम बाउल में डाल देते हैं। अब हमें बैटर बनाना है, तो फटाफट सभी चीज़ों को मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देते हैं। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी ना ठंडा हो ना ही गर्म हो। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध डाला है और अच्छे से मिला लेते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें विनेगर डालना है, तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाला है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह 1/2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला चुके हैं हम और बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस केक बैटर को हम केक टिन में डाल देते हैं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप स्टील का छोटे भगोने में, उसमें आपको ऑयल और बटर पेपर बहुत ही अच्छा लगाना होगा, नहीं तो एल्युमिनियम का भगोना यूज़ करें और उसमें आप केक को अच्छे से बेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक टिन में बैटर को डाल दिया है, इसे अच्छे से टैप कर देते हैं और इसके बाद इसे हम गर्म कढ़ाई में रखेंगे। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, लगभग 32-35 मिनट लगेगा और कढ़ाई में ये 35-40 मिनट में बेक हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर। केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। और इसके बाद हमें केक को हल्का सा ठंडा करना है। केक टिन से अलग करेंगे केक को और उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ केक जो है ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, इसकी ऊपर की लेयर को निकाल देते हैं और इसके बाद इसे आप 2 या 3 लेयर में काट सकते हैं। तो यहाँ हम इसे 3 लेयर में काटने वाले हैं। केक बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है और जो निकला है ये ऊपर का हिस्सा, इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ हम केक को काटने के लिए ब्रेड नाइफ का यूज़ कर रहे हैं और इसी का यूज़ करें, नहीं तो आप धागे से भी केक को काट सकते हैं, बहुत ही आराम से कट जाता है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक को 3 लेयर में काटा है। अब हमें आइसिंग करना है, तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी लिया है पिसा हुआ, साथ में इसमें पाइनएप्पल क्रश डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना यूज़ करें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को मिलाकर शुगर सिरप को तैयार कर लेते हैं। आप पाइनएप्पल क्रश की जगह पाइनएप्पल एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ फ्रूट कॉकटेल लिया है, ये मिक्स फ्रूट होते हैं और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह कैन में आता है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं 2-3 बार में। आप जब कैन को खोलें और जितना आपको यूज़ करना है उतने फ्रूट निकाल लें और उसके बाद इसे पानी के साथ किसी और बॉटल में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने केक आइसिंग करने के लिए व्हिप क्रीम ली है, यानी हैवी क्रीम है जिससे हम व्हिप क्रीम बनाएंगे। ये पाइनएप्पल फ्लेवर की है और बहुत ही बढ़िया क्रीम है। इस बार मैंने पहली बार इसे मार्केट से लाया है और इसे यूज़ करने वाले हैं, पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। आप इसके जगह जो नॉर्मल हैवी क्रीम आती है प्लेन वाली, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से कलर ऐड है, शुगर भी ऐड होता है। नॉर्मल वाली जो क्रीम होती है हैवी क्रीम, उसमें भी शुगर ऐड होता है पर कलर नहीं ऐड होता और ना ही फ्लेवर ऐड होता है। तो बस क्रीम बिल्कुल ठंडी लेनी है, यानी चिल्ड लेनी है,
इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से तब तक बीट करेंगे जब तक ये डबल से ज़्यादा ना हो जाए और बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको इसमें शुगर ऐड नहीं करना है। अगर आप फ्लेवर वाली क्रीम ले रहे हैं तो कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करना है। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और जब तक इस तरह की बिल्कुल थिक क्रीम ना हो जाए तब तक आपको इसे बीट करना है। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाउल को पलट दें, अगर क्रीम नहीं हिल रही है, गिर नहीं रही है तो व्हिप क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने एक बोर्ड ले लिया है, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप प्लेट का यूज़ करें। इसमें हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगाएंगे, एक लेयर रख देते हैं केक का और उसके बाद हमें आइसिंग करना है। इसके ऊपर हम फटाफट शुगर सिरप लगा देते हैं। अगर जो आपका केक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आपको शुगर सिरप थोड़ा ज़्यादा लगाना होगा, नहीं तो शुगर सिरप का थोड़ा कम यूज़ करें। तो यहाँ मैंने शुगर सिरप अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाल देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो बहुत ही पतली लेयर हम व्हिप क्रीम की लगा रहे हैं। इस समय हम क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हम फ्रूट डालेंगे। अगर आप फ्रूट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस समय आप क्रीम की थोड़ी मोटी लेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्स फ्रूट डाल दिया है, आप इसके जगह पाइनएप्पल पीसेस भी डाल सकते हैं क्योंकि ये पाइनएप्पल केक है। तो यहाँ मैंने मिक्स फ्रूट का यूज़ किया है जिससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और एक बार थोड़ा सा फिर से हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देते हैं। ऐसा करने से केक का बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, यानी केक के बेस में सेकेंड वाले लेयर में ये जो पीसेस हैं फ्रूट के वो अंदर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए मैंने क्रीम का यूज़ किया है। अब मैंने केक की सेकेंड लेयर रखी है और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा रहे हैं। एक बार फिर से वही काम करना है, यानी बहुत ही पतली लेयर लगाएंगे क्रीम की, फ्रूट डालेंगे और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम का यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की पाइनएप्पल व्हिप क्रीम नहीं है तो आप नॉर्मल जो हैवी क्रीम आती है वाइट वाली, उससे आप उसमें कलर ऐड करके, फ्लेवर ऐड करके इस तरह की क्रीम बना सकते हैं। अब हम केक की थर्ड लेयर रख रहे हैं और इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। घर पर केक बनाना बहुत ही आसान होता है और ये केक तो ओवन में बेक भी नहीं हुआ है, यानी कढ़ाई में बेक हुआ है और इसमें हम नोज़ल का भी यूज़ नहीं करने वाले हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। तो एक बार फिर से हम क्रीम रखते हैं और केक को अच्छे से कवर कर देते हैं। तो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने बहुत से केक की रेसिपी डाली है, आइसिंग वीडियो डाला है। अगर आप केक की रेसिपी देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर आप इसी तरह कई केक की बढ़िया बढ़िया रेसिपी देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे ही और रेसिपी आने वाली है। तो साइड में भी मैंने क्रीम को अच्छे से लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है इसे निकाल देंगे। अब इसके बाद आप केक को किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, जैसी भी आपके पास आइडिया हो, जो भी आप इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहते हो। पर आज हम नोज़ल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन बैग लें, उसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बिना कलर के भी आप इस केक को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने डार्क पिंक कलर यूज़ किया है और इसके अंदर हम व्हिप क्रीम डाल देते हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी साफ पॉलीथीन बैग का यूज़ करें आप। उसमें आपको छोटा सा छेद करना है, जैसे हम मेहंदी के कोन में छेद रखते हैं छोटा सा, सेम वैसे ही आपको करना है। और उसके बाद हम केक को फटाफट सजाने वाले हैं। तो बस पाइपिंग बैग को ऊपर से हल्का हल्का दबाते जाएँ और कुछ इस तरह हम केक को सजा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है, छोटा बच्चा भी बना सकता है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस बार आप भी केक को कुछ इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही ये खूबसूरत केक बनने वाला है। तो यहाँ मैंने येलो के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन दिया है और आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बिना कलर के भी बना सकते हैं। और बस इसी तरह आपको डेकोरेट करना है, कहीं भी गोल गोल घुमाते हुए आप इस डिज़ाइन को बना लें और उसके बाद साइड में भी हम कुछ इस तरह डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो अगर आपको फ्लावर बनाने नहीं आता, कोई डेकोरेशन करने नहीं आता तो सिंपल आप केक को इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये केक, पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन है। अब मैंने यहाँ स्प्रिंकल ले लिया है, ये छोटी छोटी कलरफुल बॉल्स होती हैं और इसे खाया जाता है और केक के ऊपर इसे स्प्रिंकल कर देते हैं।
तो इस बार आप बर्थडे पर या कभी भी कोई भी छोटा मोटा मौका है तब आप इसे बना सकते हैं फटाफट। तो अब बीच में हम चेरी लगा रहे हैं और ये सिंपल सा खूबसूरत सा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे 4 से 5 घंटा फ्रिज में रखें और उसके बाद इसे आप काट कर सर्व कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में इसे बना सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।